नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट के बारे में। गल्फ देशों में ओमान, कुवैत, सऊदी अरबिया या फिर बहरीन से रिलेटेड, यानी 4 से 5 कंट्री, कतर से रिलेटेड सभी कंट्रियों की फ़्लाइट से अपडेट हम बात करेंगे भाई। इन कंडीशन में, इन देशों की कंडीशन क्या है फ़्लाइट के मामले में। जी हाँ, हालांकि बहरीन के मैंने कुछ, मेरे पास कई लोगों ने वीडियो भेजे थे कि सर बहरीन की फ़्लाइट स्टार्ट हो गई, उससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या सच में बहरीन की फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं, या फिर सऊदी या कुवैत जाने वाले किस तरह से जा सकते हैं, ओमान की क्या स्थिति है, डिटेल से बात करेंगे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको यूएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, ओमान की स्थिति मैं बता दूँ, आपको पता है कि ओमान का आंकड़े कुछ एक बार बढ़ चुके थे, इस वजह से ओमान ने, आपको पता यार इतना सो तो वो देश है उनका, उनको पता यार इंडिया जैसे इतने बड़े लोग पता नहीं क्या हो जाएगा, डेल्टा वेरिएंट सब भर भर के बैग में लेके आएंगे और ओमान में उडेल देंगे, उनकी ये स्थिति है। तो भाई ओमान में लगा रखा है लॉकडाउन, आपको सबको पता होगा, एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट इंडिया के लिए 31 अगस्त तक सस्पेंस हैं। जी हाँ, सस्पेंड हैं, आपको सबको पता है कि भाई 31 अगस्त तक फ्लाइटें इंडिया के लिए बंद हैं। हालांकि लोग बोलते हैं ओमान के लिए फ़्लाइटें, भाई सरकार ने पहले से घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक फ़्लाइटें बंद हैं, तो आपको दोबारा आपको माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि 31 अगस्त से पहले कुछ नहीं होने वाला है, चाहे हमारा वीज़ा एक्सपायर हो, चाहे हम एक्सपायर खुद भी हो जाएं, चाहे सब कुछ एक्सपायर हो जाए, फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं करेंगी। जी हाँ, सरकार का आदेश, एक अच्छी बात ये डाला है भाई सरकार ने, ओमान की सरकार ने, कि अगर आप टिकट लेते हैं ओमान में कहीं से भी, तो उस टिकट, खासतौर से ओमान के लोगों के बारे में बात करूँ, वहाँ के लोगों के बारे में, तो उसमें एक बात लिखी है कि भाई टिकट लेते समय आपको एक इनवॉइस लेनी है टिकट होल्डर से, जो एजेंट होता है जिनसे आप टिकट लेते हैं, उस टिकट में लिखा होना चाहिए कि ये टिकट नॉट रिफंडेबल है, कैंसिल है, रिफंड होने पे कितना पैसा मिलेगा, ये आपको रसीद उनसे ले लो, ताकि आपके फ़ायदे का सौदा रहेगा। कई बार ऐसा होता है टिकट आप ले लेते हो, बाद में आप नहीं जा पाते, टिकट कैंसिल हो जाती है या फ़्लाइट मिस हो जाती है, फ़्लाइटें बैन हो जाती हैं, तो उसमें टिकट का फुरफुस हो जाता, आपको कुछ नहीं मिलता, या आधा पैसा मिलता है, या फिर बोल देते हैं जी नॉट रिफंडेबल थी, कुछ नहीं मिलता। उससे पहले ही लिखवा के रसीद में ले लें, आपको ओमान सरकार ने आदेश दिया है ताकि आपका पैसा जाया नहीं जाए और आपका पैसा सुरक्षित रहे, इसका आपको फ़ायदा होने वाला है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जी हाँ भाई, बहरीन की क्या स्थिति है? बहरीन में यार लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं कि बहरीन की फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई, जबकि वो न्यूज़ दूसरी थी। न्यूज़ भी मैं साथ में ऐड कर दूंगा, कहीं नहीं लिखा कि बहरीन की फ़्लाइटें इंडिया के लिए स्टार्ट हो गई। बाकी सभी 12-13 कंट्रियों पे मैंने एक वीडियो बनाया था, 16 कंट्री पे बहरीन ने बैन लगा दिया, रेड लिस्ट में डाले थे 16 कंट्री, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नाइजीरिया, युगांडा वगैरह, फिलीपींस, बल्गोरिया, इराक, ट्यूनीशिया, मेक्सिको, म्यांमार, पनामा, दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह, ये देश थे। जी हाँ, इन देशों को, 17 देश थे, उनको सरकार ने बैन, रेड लिस्ट में डाल दिया था। 3 देश और हैं, उनको भी सरकार ने कल की डेट में रेड लिस्ट में डाला है, जॉर्जिया, यूक्रेन और मलावी। जी हाँ, ये देश हैं, इनको डाल दिया, यानी लगभग आप मान के सकते हैं 20 देश के करीब हो गए। अब सरकार बता दूं, बहरीन सरकार ने एक दिया था कि भाई ये रेड लिस्ट कंट्री में हैं, इनको अभी फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं की गई हैं। इन देशों में अगर कोई लोग आना चाहते हैं, वो कौन हैं जो लोकल बहरीन के लोग हैं, जी हाँ उनके लिए छूट दी गई है। लोग इसको पता नहीं, या तो पढ़ना नहीं आता, या फिर समझने की कमी है, वो वीडियो बनाए जा रहे हैं कि हाँ बहरीन ने फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी, जबकि भाई कहीं भी कोई ऑप्शन ये दे रखा था कि 48 घंटे का, 72 घंटे का आपके पास PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, आपको बहरीन का जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड करना चाहिए, 10 दिन का उनको क्वारंटाइन होगा। ये उन लोगों के लिए था जो इन रेड कंट्री में जो लोग बैठे हैं पिछले 14 दिन से पहले से, या फिर उनके फंसे हुए लोग हैं वो आ सकते हैं, लोकल लोग। लेकिन इसको उल्टे तरीके से पेश करके बोल दिया कि सब लोग जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की, छानबीन की, तो कहीं ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली। आपके साथ भी मैं न्यूज़ ऐड कर सकता हूँ, इसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें बहरीन की फ़्लाइटें स्टार्ट हैं। लेकिन पता नहीं लोगों के समझने के बाहर बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, दूसरों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरीन की फ़्लाइटें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, इंडिया को रेड लिस्ट में डाल रखा है, और 17-18 देश थे, उसमें 3 देशों को और ऐड करके 20 देश हो चुके हैं। जी हाँ यार, बहरीन जैसी छोटी कंट्री की कैपेसिटी कहाँ है, जब और देशों ने बैन करके रखा है इंडिया को, गल्फ देशों ने, तो बहरीन को इतनी जल्दबाजी थोड़ी है कि वो तुरंत फ़्लाइट स्टार्ट कर दे। बहरीन का तो इतना वर्कलोड ही नहीं है लोगों की, कितने लोग हैं बहरीन के इंडिया में बैठे हुए, इतना है ही नहीं कुछ कि उनके ऊपर कोई दबाव पड़े। ओमान में, बहरीन में कहाँ है भाई, सोचने की बात है ना ये। आगे बात कर लेते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड, भाई कुवैत की क्या स्थिति है। देखिए कुवैत ने 1 अगस्त से फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं,
लेकिन अपने देशों इंडिया का हालांकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई इंडिया नेपाल बांग्लादेश ये जो लोग जा सकते हैं वहाँ पे नहीं जा सकते। हाँ, ये थर्ड कंट्री के द्वारा अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपके पास दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, 72 घंटे का PCR टेस्ट होना चाहिए। कुवैत के जो मुसाफर अल सलोनिक है ऐप, उसके ऊपर पूरा ये अपलोड आपका होना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाएं या पुरानी कोई बीमारी के लोग हैं उनको जो ये टीके हैं उनसे छूट दी गई है, वो बिना टीके भी जा सकते हैं, उनको एंट्री मिल जाएगी। बाकी कुवैत थर्ड कंट्री में आपको 14 दिन कम से कम रुकना होगा, चाहे आप कतर रुक रहे हैं। ट्रांजिस्ट के लिए भी ऑप्शन दिया है भाई दुबई ने, ट्रांजिस्ट के लिए, तो आप दुबई के द्वारा भी जा सकते हैं। खर्चा तो वही आपका पता है फिर कितना लगना है, 1.5 लाख के करीब, लाख के करीब जो टिकटों का भाव चल रहा है। दुबई से कुवैत की बहुत महंगी टिकटें हैं या कतर से बहुत महंगी टिकटें हैं, तो वो उस तरह से आपका देख लो 1.5 लाख के करीब खर्चा आएगा। आप इन कंट्रियों के द्वारा जा सकते हैं, थर्ड कंट्री किसी के भी द्वारा। 14 दिन आपको वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। जी हाँ, सेम प्रोसेस दो सऊदी का भी यही है भाई, सऊदी भी आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री के द्वारा। लेकिन अभी फ्लाइटें उम्मीद है सऊदी के साथ में कंप्रोमाइजन चल रहा है, अगर जल्दी फ्लाइटें स्टार्ट हो जाती है, कोई अच्छी अपडेट आती है, उम्मीद अगस्त का महीना, बार बार बोलता हूँ भाई हर वीडियो में, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आंकड़े 40 से नीचे नीचे रहे और वैक्सीनेशन बढ़ रहा है तो 100% फ्लाइटें स्टार्ट होने के चांसेस बन जाएंगे अगस्त में लगभग देशों में। जी हाँ, कतर की तो भाई बात करने की जरूरत ही नहीं है, फ्लाइटें ओपन है, जब मर्जी टिकट लो जाओ, जो भी उनका प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेम UAE का प्रोसेस तो अभी सिर्फ जो जिन्होंने दुबई में टिके लगवाए वो लोग अभी जा पा रहे हैं। उम्मीद है कि 2-4 दिन में और अच्छा अपडेट दुबई की तरफ से आ सकता है कि भाई जिन्होंने इंडिया में वैक्सीनेशन किया है, 6 महीने वीज़ा वैलिड हैं, वो लोग आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस था फ्लाइट से रिलेटेड। बहरीन की अपडेट भाई झूठी, जो फ्लाइटें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं पूरी, मैंने भी कोशिश कर ली, आप भी अपने स्तर पे पता लगा लें। बाकी लोगों को समझ में नहीं आने की वजह से पता नहीं कुछ किस तरह से वीडियो लोग बना के डाल देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।